आत्मा है. If your spirit man is bigger than your flesh, अगर आपका आत्मा आपके शरीर से बड़ा है, you will hear the things of God clearly. तो आप परमेश्वर की आवाज साफ साफ सुन पाओगे. But instead, लेकिन instead, if your flesh is big giant, अगर आपका शरीर बड़ा है, and if your spirit man is a baby, और आपका आत्मा सिर्फ एक बच्चे की तरह छोटा सा है, your flesh will dominate your spirit. तो आपका जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मिक मनुष्य पे प्रभाव डालेगा. You will only do the things of the flesh. तो आप सिर्फ शरीर के कामों को ही करोगे. I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. घुटनों पे जाओ. Your spirit wants to pray. आपकी आत्मा प्रार्थना करना चाहती है. बिकॉज योर फ्लैश इज अ बिग जायंट. लेकिन क्योंकि आपका शरीर बहुत बड़ा है. एंड द फ्लैश विल से आई वांट टू वॉच टीवी, आई डोंट वांट टू प्रे. और शरीर कह रहा है मुझको टीवी देखना है, मुझे प्रार्थना नहीं करना. सो बिकॉज योर स्पिरिट मैन इज अ बेबी, क्योंकि आपका आत्मिक मनुष्य एक बच्चा है, फाइट विद द फ्लैश, वो शरीर से लड़ने की कोशिश करेगा. एंड इट कैन नॉट विन, और वो जीत नहीं सकता. एंड इट विल गिव इन, और वो हार मान जाएगा. एंड देन यू विल नॉट प्रे, यू विल सिट एंड वॉच टीवी. तो आप प्रार्थना नहीं करोगे, जाओगे और टीवी देखोगे. सो नाउ द क्वेश्चन इज, तो अब सवाल ये है, हाउ कैन आई मेक माय स्पिरिट मैन ग्रो, कैसे मैं अपने आत्मा को मजबूत करूं. आर यू राइट, यू लिसनिंग, समझ आ रहा है आपको. सिंपल थ्री थिंग्स, साधारण तीन चीजें. प्रेइंग इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना. That is why it is important that you receive the prayer language. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सबको अन्य भाषा मिल जाए. Jude 20 says, यहूदा की पुस्तक उसके 20वें वचन में लिखा है, You pray in the Holy Ghost, edifying yourself, building up your most holy faith. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप खुद को ही उन्नति देते हैं. So when you pray in the Holy Ghost, तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, you are building your faith. आप अपने विश्वास को मजबूत बना रहे हैं. When you are praying in the prayer language, जब are you listening? Those of you don't speak in tongues, are you listening? जो लोग अन्य भाषा में बात नहीं करते, ध्यान से सुनिए. When you pray in the Holy Ghost, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, you are in man, in a man is being fed and it is growing. आपका अंदरूनी मनुष्य को खाना मिल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है. Second thing, दूसरा, praying in tongues, अन्य भाषा में प्रार्थना करना. You are talking secrets between your spirit and the Holy Ghost. तो आप अपनी आत्मा से बहुत ही छुपी हुई रहस्यमयी बातें पवित्र आत्मा में होकर बोलते हैं. Your mind cannot understand. आपका मन नहीं समझ सकता. Who is your enemy? कौन है आपका शत्रु? Devil is not your enemy. शैतान आपका शत्रु नहीं है. Your mind always fights you. हमेशा आपका मन आपके खिलाफ लड़ता है. You want to pray, but your mind says, "No, I don't want to pray." आपका आप प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन बोलता है नहीं, प्रार्थना नहीं करना. So when you pray in the spirit, तो जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, you are communing with the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा से बातचीत कर रहे हैं. Are you listening? सुन रहे हैं आप? Are you listening? सुन रहे हैं? You know what is tongues? क्या है अन्य भाषा? Is the prayer language. ये प्रार्थना की भाषा है. What is that? क्या है ये? Prayer language. प्रार्थना की भाषा. When you are praying in the prayer language, जब आप प्रार्थना की भाषा में प्रार्थना करेंगे, what happens? क्या होगा? Your spirit, आपकी आत्मा, is talking with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से बात करेगी. Your spirit, आपकी आत्मा, communing with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से बात करेगी. When the Holy Spirit speaks to you, और जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, where does he speak to you? कहाँ पे बात करेगा वो? To your spirit man. आपके आत्मिक मनुष्य में. Do you understand? समझ आ रहा है? Understand? समझ आ रहा है? Okay. How many of you here speak two languages? आप में से कितने लोग यहाँ पर एक से ज़्यादा भाषाएँ बोल सकते हैं? Okay. How many of you can speak Hindi and English? आप में से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? Bye, इधर आओ. भाई आगे आ जाइए. Quickly, quickly. मैं आपसे इंग्लिश और मलयालम में पूछूंगा और आपसे इंग्लिश और हिंदी में पूछूंगा. Okay. He knows two languages. उनको दो भाषाएं आती हैं. He can speak Hindi. वो हिंदी बोल सकते हैं. And he can speak Malayalam. और मलयालम बोल सकते हैं. His mother tongue is Malayalam. वो जो भाषा बोलकर बड़े हुए हैं वो मलयालम है. Okay. Are you comfortable speaking fluently in English or in Malayalam? आपको इंग्लिश ज्यादा आसान लगता है या मलयालम?
Malayalam. See, when you have a language that you're comfortable with, you speak in a language very easily comes out of your natural self. देखो जो भाषा आप आसानी से बोल पाते हो वो बहुत जल्दी आपके मुंह से निकल आती है. Okay, now he can speak in Hindi and in English. ये हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सकते हैं. But he lived in Tamil Nadu for 5 years. लेकिन ये तमिलनाडु में 5 साल रहे. So if I speak to him in Tamil. तो मैं अगर इनसे तमिल में बात करूं. Hey, नहीं ना पढ़ रहा. Does he understand? क्या इनको समझ आएगा? He understood because he was there. इनको समझ आए क्योंकि ये वहां रहे हैं. But if I speak to you in Tamil, will you understand? लेकिन अगर मैं आपसे तमिल में बात करूं आपको समझ आएगा? I'm asking you, उम पेयर एन्ना. He's like smiling. Huh? I asked him what is his name and he's saying my name is Smile. मैंने उनसे अपनी भाषा में पूछा तुम्हारा नाम क्या है और उसने अपने नाम की जगह ऐसे मुस्कुराया. Listen to me. सुनिए ध्यान से. When you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, your brain does not understand that language. आपकी बुद्धि उस भाषा को नहीं समझ पाती. But what understands that language? लेकिन कौन समझता है उस भाषा को? Your spirit man. आपके अंदर जो आत्मा है. Now you understand? समझ आ रहा है? Why praying in tongues builds your inner man as a strong person? कैसे अन्य भाषा की प्रार्थना आपके अंदरूनी मनुष्य को बलवंत करती है? And even the devil doesn't understand. शैतान को भी अन्य भाषा समझ नहीं आती. Understand this, when you're praying in the unknown tongues, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, it is only between God and you. वो सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच में होता है. Hallelujah. 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 When you pray more in tongues, जब आप और अधिक अन्य भाषा बोलते हैं, it makes you like a FM radio. You set your wave right to receive the words that can come through the radio. Thank you. तो आपको एक FM radio की तरह परमेश्वर बना देता है. जब आप सही frequency पर आ जाते हैं, तब आपको signal मिलता है और आप गाना सुन पाते हैं. Hallelujah. Do you understand? You understand? समझ आ रहा है? I want you to turn to Acts chapter 2. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए. और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. बोलते हैं, You're going to grow in the Lord. आप परमेश्वर में बढ़ेंगे. Hallelujah. 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 Now I want all those people who speak in tongues stand up. मैं चाहता हूँ जितने लोग अन्य भाषा बोल सकते हैं वो सब खड़े हो जाएं. All those people who speak in tongues stand up. जो लोग अन्य भाषा बोल सकते हैं वो सब खड़े हो जाएं. Okay. You who are sitting in front. लेकिन आप लोग जो आगे बैठे हैं. I want you to just watch it. आप लोग सिर्फ उनको देखना. Ready? Ready? Okay. 1, 2, 3. प्रार्थना करें. Loudly. जोर से. ये परमेश्वर से रहस्यमय बातें बोल रहे हैं. Their mind is not speaking. इनका मन बोल नहीं रहा है. Their spirit man is talking. लेकिन इनकी आत्मा बोल रही है. They are talking a language of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा की भाषा बोल रहे हैं. Not a language of the flesh. ये शरीर की भाषा नहीं है. Not the language of the mind. ये मन की भाषा नहीं है. Out of the spirit they are talking to the Holy Ghost. ये अपनी आत्मा से परमेश्वर से बात कर रहे हैं. Okay. Can you stop those who are praying? Can you stop for a moment? जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कृपया रुक जाएं. See, the language is like an enemy. ये परमेश्वर से रहस्यमय बातें बोल रहे हैं. Their mind is not speaking. इनका मन बोल नहीं रहा है. Their spirit man is talking. लेकिन इनकी आत्मा बोल रही है. They are talking a language of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा की भाषा बोल रहे हैं. Not a language of the flesh. ये शरीर की भाषा नहीं है. Not the language of the mind. ये मन की भाषा नहीं है. Out of the spirit they are talking to the Holy Ghost. ये अपनी आत्मा से परमेश्वर से बात कर रहे हैं. Okay. Can you stop those who are praying? Can you stop for a moment? जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कृपया रुक जाएं. Spirit baptizes you. जब पवित्र आत्मा आपको बपतिस्मा देते हैं. You receive the gift of tongues. तो आपको अन्य भाषा का वरदान मिलता है. Now the question you might have. अब सवाल आपके पास ये हो सकता है. How do I get this? कैसे मिलेगा मुझे ये वरदान? Very simple. बहुत आसान है. It is very simple. Turn with me to Luke chapter 11. खोलिए मेरे साथ लूका की पत्री 11वां अध्याय. लूक चैप्टर 11. लूका उसका 11. एंड लेट्स रीड फ्रॉम वर्सेस 11. 11 का 11 से हम लोग पढ़ेंगे. आई वांट एवरीबॉडी टू से दिस आफ्टर शिवानी. सब लोग मेरे पीछे दोहराइए. 11 का 11.
लूक व्हाट? लूक कौन सा? 11:11 ग्यारह का. ओके. तुम में से, जोर से कहें, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? ओके, व्हाट डज द बाइबल से? क्या कहती है बाइबल? If your earthly father, अगर आपका पिता जो इस पृथ्वी में है, if a son would ask for bread, will he give you a stone? अगर आपके पापा को आप रोटी मांगते हैं तो क्या वो आपको पत्थर देते हैं? If you ask for fish, will he give you a snake? जब आप उनसे मछली मांगते हैं तो क्या वो सांप देते हैं? If you ask for anda, will he give you a scorpion? अगर आप अंडा मांगे तो क्या वो बिच्छू देंगे? If your earthly fathers who are evil know how to do you good things, अगर हमारे पृथ्वी के संसारिक माता पिता जो बुरे होते हुए भी हमको अच्छी चीजें देते हैं, how much more your heavenly father, बाइबल कहती है हमारा स्वर्गीय पिता कितना ही अधिक, will give you more of what, क्या देंगे हमको? Of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा. When, कब? When, कब? When you ask, जब आप मांगोगे. It is very simple, ये बहुत सरल है. You understand? समझ आ रहा है? Your father in heaven loves you. आपका स्वर्गीय पिता आपको प्यार करता है. When you ask, जब आप मांगते हैं, he will give you more of the Spirit. वो आपको और अधिक पवित्र आत्मा देगा. Only two things, केवल दो बातें, faith, विश्वास, ask, और मांगना. What are the two things? क्या है दो बातें? In faith, विश्वास में, you ask, आप मांगो. When you in faith ask, जब आप विश्वास से मांगते हो, and when the Holy Spirit fills you, और पवित्र आत्मा आपको भर देता है, you speak the utterance that comes inside, आप वो बोलते हैं जो आपके अंदर पवित्र आत्मा देता है, and then you speak in tongues, और फिर अन्य भाषा में आप बोल पाते. Very simple, बहुत सिंपल है. There is no complication. इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है. You don't have to jump. आपको कूदने की जरूरत नहीं है. You don't have to shout. चिल्लाने की जरूरत नहीं है. You don't have to scream. चिल्लाने की जरूरत नहीं है. You don't have to say things fast. आपको जल्दी जल्दी कुछ बोलने की जरूरत you नहीं है. You don't have to sing a song very fast to speak in tongues. वो एक गाना लेकर बहुत जल्दी गाकर अन्य भाषा प्राप्त करने की जरूरत simple, नहीं है. Simple, very simple. बहुत सरल है. Do you believe that your father loves you? क्या विश्वास करते हैं कि स्वर्गीय पिता आपको प्यार करता है? Do you believe that you are a child? क्या विश्वास करते हैं कि आप उसकी संतान हैं? Then talk to your daddy. तो अपने पिता से बात कीजिए. I want to be filled. मैं भरना चाहता हूँ. And I want to speak in tongues. और मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूँ. And after you pray, और जब आप प्रार्थना करते हैं, I will pray for you to be filled. मैं आपके लिए फिर प्रार्थना करूंगा कि आप आज भर जाएं. And you can be filled. और आप भर जाएंगे. Or I can come lay my hands on you and say be filled. या तो मैं आकर आपके ऊपर हाथ रखकर बोल सकता हूँ कि भर जाओ. When you know that you are filled, जब आपको पता लगता है कि आप भर गए हैं, as the utterance comes out, जैसे आपको प्रेरणा मिलती है, what is the utterance? क्या है वो प्रेरणा? It is sound like a syllable. वो एक आवाज है, अक्षर के रूप में आती है. And you just open your mouth and you speak it. आप सिर्फ अपना मुंह खोलकर उन छोटे अक्षरों को बोलना. By faith, विश्वास के आधार पर. It is if you waiting for your tongue to twist and nothing will happen. अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी जुबान इस तरह मुड़ जाएगी और करके कुछ बोलोगे, कुछ नहीं बोला जाएगा. You are filled. जब आप भर जाते हैं, the utterance is in you by the Spirit, आत्मा के द्वारा वो प्रेरणा आप में आ गई है, and you just open your mouth and pray. आप सिर्फ अपना मुंह खोलते हैं और प्रार्थना करते हैं. Simple. सिंपल है. Clear? समझ आया? Understood? समझ आया? Don't have to be worried. आपको घबराने की जरूरत नहीं है. Everything is clear? सब कुछ साफ है.
And when we pray for the baptism of the Holy Spirit, हम जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, the Spirit of God will come upon you. पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा. When He has come upon you, जब वो आप पर उतरेगा, you have to open your mouth and speak that syllable sound, A E O R U, whatever comes. तो आपको अपना मुंह खोलकर उन छोटे अक्षरों को मुंह से बोलना शुरू करना है, आ आ ए ए, जो भी आपके मुंह में आ रहा है. Is that clear? समझ आया? Is it clear? समझ आया? Okay, can we stand up on our feet? क्या हम सब अपने पैरों में खड़े हो जाएं? And you people want you to pray in tongues, softly praying for the people to be filled. Okay? और मैं चाहता हूँ आप जो स्टेज पर हैं आप लोग धीरे आवाज में अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे ताकि इन लोगों को अन्य भाषा मिले. The reason why you have to be soft is we want to hear them speak in tongues so that they will know that they can hear themselves praying in tongues. आपको मैंने धीरे प्रार्थना करने के लिए इसलिए बोला है ताकि जब उन लोगों को अन्य भाषा मिले और वो बोलना शुरू करें तो वो अपनी आवाज़ सुन सके. And even the people at the back who are filled in tongues, don't be watching. You stretch your hands, begin to pray in the Holy Ghost softly that they will be filled. और जो लोग पीछे भी हैं अन्य भाषा बोलेंगे आप लोग बैठकर देखना नहीं हाथों को आगे बढ़ाकर प्रार्थना करना कि इन लोगों को भी अन्य भाषा मिल जाए आराम से. जितने लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते अपने हाथों को उठाकर पिता से अपनी भाषा में मांगिए और परमेश्वर आपको देगा. विश्वास के साथ मांगिए. ओपन योर माउथ एंड प्रे लाउडली. मुंह खोलकर ऊंची उन अक्षरों को बोलना शुरू कीजिए. नॉट इन हिंदी, not in any emotions, just pray in the language. Hindi mein nahi bolna hai, kisi aur bhasha mein nahi bolna hai. Pray in the Holy Ghost. Nayi bhasha bolna shuru kijiye. Be filled. Pray. Don't stop. Pray. Desire will be fulfilled to serve God. आपके परमेश्वर की जो सेवकाई करने की इच्छा है वो पूरी होगी. Father, I lay my hands
पिता मैं अपने हाथों को इनके ऊपर फॉर एन अनॉइंटिंग मैं एक अभिषेक के लिए सेविकाई की एक अभिषेक के लिए प्रार्थना टू सर्व गॉड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड परमेश्वर की सेविकाई उनके भवन में करने के लिए एबिलिटी फ्रॉम हेवन एबिलिटी फ्रॉम हेवन काबिलियत स्वर्ग की ओर से गिफ्टिंग्स फ्रॉम हेवन वरदान स्वर्ग की ओर टेक इट राइट नाउ फ्रेश 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 यू विल प्रे इन अ प्रोफेटिक वे आप एक भविष्यवाणी सामर्थ में प्रार्थना करोगे योर प्रेयर विल बी सो प्रोफेटिक प्रोफेटिक आप एक भविष्यवक्ता हो रिसीव उसको पाइए